राशन से भरा झोला मुफ्त ले जाइए। गया के सोनू सूद के नाम से चर्चित समाज सेवी विवेक कल्याण की अनोखी पेशकश इतनी कारगर साबित हुई कि गांव-गांव में वैक्सीन लेने वालों का तांता लग गया। यही नहीं, 3 दिन के अंदर 2000 से भी ज्यादा ग्रामीणों ने टीका लगवा लिया और पहुंच गए अनाज से भरा झोला लेने। गया के सोनू सूद ने किसी को निराश नहीं किया और सबकी झोली सौगातों से भर दी। इससे बहुत सा अच्छा पहल है कि लोगों को भी जिसे राशन लोग बांट भी रहे हैं, तब उनसे यही निवेदन करना चाहते हैं, उनके साथ एक पहल भी रखिए कि जो राशन हम दे रहे हैं एक वैक्सीन के रूप में, आप वैक्सीन लीजिए, क्योंकि गांव को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि गांव अगर बच गया तो पूरे देश बच गया, क्योंकि तीसरी लहर आने का शंका है। कोरोना काल में महामारी से बचने के लिए टीका ही सबसे कारगर हथियार है, लेकिन अफवाह के मारे ग्रामीण अक्सर वैक्सीन की डोज लेने से आनाकानी करते हैं। ऐसे समय में स्वयंसेवी संस्था सिद्धार्थ कॉर्पोरेशन ट्रस्ट गांव-गांव में जन जागरूकता अभियान के जरिए वैक्सीन के फायदे तो घिना ही रही है, साथ ही वैक्सीन की डोज के बदले सौगातों की पोटली भी थमा रही है, जिसका अच्छा नतीजा दिखने लगा है। तो हम लोग वहाँ के महिला लोग सब लगवा रहे हैं और लगाए हैं, कुछ और लगवा रहे हैं, और बोले कि वहाँ टीकाकरण के बाद वहाँ सिद्धार्था में वहाँ पर जाना होगा, राशन मिलेगा, तो वही राशन के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर। ट्रस्ट के माध्यम से आप लोग के अनाज का वितरण किया जाएगा और आकर के ले लीजिएगा, तो वहाँ से वैक्सीन लेने के बाद आए हम लोग, दिखाए तो अनाज का वितरण मिला हम लोग का। कितना अच्छा है इस तरह का? बहुत अच्छा है। तो आप भी देर मत कीजिए, बिना डरे और बिना हिचके वैक्सीन की डोज लगवाइए और महामारी के खिलाफ चल रही मुहिम को मजबूत बनाइए, तभी हम और आप फिर से खुली हवा में सांस ले सकेंगे। एलन लीली, News18 गया। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की धारा में जानलेवा सेल्फी का क्रेज थमने का नाम नहीं ले रहा है। उफनाती लहरों के